आज हम बनाएंगे प्यारा सा चॉकलेट केक, जिसको बनाने के लिए न आपको ओवन की जरूरत है न आपको माइक्रोवेव की जरूरत है। ये घर पर ही गैस पर आसानी से बहुत ही इजीली बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी बनेगा। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी केक है। ये आप चाय के साथ सर्व करें या बच्चों को टिफिन में दें, ये बहुत ही टेस्टी है। और ये केक एगलेस भी है। तो चलिए बनाते हैं हम चॉकलेट केक। अब सबसे पहले हमने 1 कप चीनी को बारीक पीस लिया है मिक्सर में और एक बॉल में उसको डाल देंगे। चीनी आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, हमने यहाँ पे लिमिटेड लिया है। और हमने डाला है 2 कप मैदा। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो पहले केक आपको दिखाया है अपने चैनल पर, उसमें हमने गेहूं का आटा यूज़ किया है। आज हम मैदा यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं। और लिया है हमने 1 कप मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पे लिया है कोको पाउडर 4 चम्मच। हमने हर चीज़ को जो भी ड्राई फॉर्म में है उनको छान के लिया है ताकि केक हमारा अच्छा बने। सभी चीज़ों को हम छान लेंगे और एक बोल में डालते जाएंगे। अब हमने लिया है कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच भर के। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये सभी पाउडर फॉर्म की चीज़ें हैं, हमने लिक्विड इसमें कुछ भी अभी नहीं मिलाया है। ड्राई मिक्सचर तैयार होने के बाद, मिक्स करने के बाद हम अलग से बनाएंगे वेट मिक्सचर को। हमने यहाँ जो केक बनाया है और जितना मिक्सचर लिया है, इससे या तो आपका एक बड़ा केक बनेगा या 2 छोटे केक बन जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 छोटे केक बनाए हैं। अगर आपको केक छोटा बनाना है तो क्वांटिटी इससे आधी लें। ये हमारा ड्राई मिक्सचर अब तैयार हो गया है। अब बनाते हैं हम वेट मिक्सचर जो अलग से बनाएंगे, जिसके लिए हमने लिया है 3/4 कप ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल। और हमने डाला है 1 ग्लास दूध। और हमने लिया है इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अब ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पहले वेट मिक्सचर को। आपके पास अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर से या मिक्सर में भी कर सकते हैं या चम्मच से भी फेंट सकते हैं। 2 से 4 मिनट तक इसको ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल ही आपको दिखेगा ऊपर से, बाकी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसको हम ड्राई मिक्सचर में मिला देते हैं। और ड्राई मिक्सचर और वेट मिक्सचर को अब दोनों को मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ड्राई मिक्सचर को छान के लिया था, इसलिए आपका केक का बैटर बहुत ही स्मूथ बनेगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर में। कोको पाउडर और कॉफ़ी की जो मात्रा है, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी केक चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे ताकि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा बैटर बन जाए और केक बहुत अच्छा बने और स्पॉन्जी बने। जितना अच्छा हम इसको ग्राइंड करेंगे उतना ही स्पॉन्जी केक बनेगा। लगातार इसको हम ग्राइंड करते जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का बिटर नहीं है तो आप इसको चम्मच से भी फेंट सकते हैं या आप इसको ग्राइंडर से भी फेंट सकते हैं। चलिए इसके लिए पॉट तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने थोड़ा सा मैदा लिया है पॉट में और थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि केक हमारा चिपके नहीं। हम इसके किनारों पर भी इसको बहुत अच्छे से साइड से लगा लेंगे ताकि किनारों से भी केक इजीली निकले। हमने यहाँ पे बटर पेपर लिया है ताकि केक हमारा इजीली बाहर आ जाए। हमने बटर पेपर लगा दिया है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल के हम स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे बटर पेपर इसलिए लगाया गया है ताकि सीधा सीधा केक एकदम से बाहर आ जाए, चिपके नहीं नीचे से। अब हमने पॉट में बैटर को डाल दिया है और इसको हिला के थोड़ा सेट करेंगे ताकि एयर बबल्स जो बीच में हो वो निकल जाएं। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके का पॉट लिया है, जिसको हम 10 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म कर रहे हैं। इसके बाद हमने स्टील की रिंग लगा के इसके ऊपर केक का पॉट रख दिया है। हमने यहाँ पे स्टार से डेकोरेट किया है। आप जिस चीज से भी इसको डेकोरेट करें उसको थोड़ा सा आटे में डिप करने के बाद डेकोरेट करें ताकि ये नीचे ना चले जाए। अब इसको इस तरीके का ढक्कन लगा देंगे जिसमें से भाप निकल रही हो, या फिर इस तरह की थाली लगाकर उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे ताकि केक अच्छे से भाप से बन जाए।
एक घंटा बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे और फिर केक तैयार। देखिए कितनी आसानी से और जल्दी बन गया है हमारा ये केक। आइए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब केक हमारा तैयार है। केक बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी बनेगा। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये चॉकलेट केक पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपका केक कैसा बना कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करें।